चैंपियन ट्रॉफी को लेकर जो तमाशा लफड़ा चल रहा था वो पीसीबी मान नहीं रहा था हाइब्रिड मॉडल के लिए। अब बड़ा अपडेट आ गया है कि पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया है। पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल के लिए मान गया है और पीसीबी ने आईसीसी को कह दिया है कि वो हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार है, भारतीय टीम के मैच पाकिस्तान से बाहर कराने के लिए तैयार है। लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ पर दो कंडीशन रखी है हाइब्रिड मॉडल मानने के साथ। पाकिस्तान पहले अपनी शर्त पर अड़ा हुआ था कि वो हाइब्रिड मॉडल नहीं चाहता है, पूरी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होस्ट करना चाहता है। लेकिन जब बीसीसीआई ने मना कर दिया कि वो पाकिस्तान बिल्कुल नहीं जाएगी और मीटिंग हुई, मीटिंग में कोई फैसला नहीं निकला और उसके बाद आईसीसी ने पीसीबी को सोचने का समय दिया, जिसके बाद अब पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन पीसीबी ने दो शर्तें और रखी हैं इस हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट करने के साथ साथ। पीसीबी ने कहा है कि हम चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार हैं, हम एग्री हैं। लेकिन पीसीबी आईसीसी से रिवेन्यू में इंक्रीज चाहता है, यानी रिवेन्यू को बढ़वाना चाहता है, ये पीसीबी ने शर्त रखी है। और दूसरी शर्त ये रखी है कि 2031 तक आईसीसी के इवेंट जितने भी होंगे उसमें सब में हाइब्रिड मॉडल को अपनाया जाएगा, यानी कि इंडिया में भी जो आईसीसी इवेंट होंगे उसमें भी हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान चाहता है, ये पाकिस्तान ने दूसरी शर्त रखी है। तो पाकिस्तान जो अड़ा हुआ था कि हाइब्रिड मॉडल हम नहीं चाहते, उससे पाकिस्तान पीछे हटा है। तो इस तरह पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट किया है और आईसीसी को अपनी बात रख दी है। दोस्तों अब आपका इस पूरे अपडेट पर क्या रिएक्शन है? ये बात तो तय थी कि पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल मानना ही पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान ने जो दो शर्तें रखी हैं उस पर आपका क्या कहना है?